सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सो जो पहली न्यूज आ रही है सौरभ जोशी की ओर से। एक ब्लॉगर है जिनका नाम है क्रेजी ब्लॉग जेके। ये ब्लॉगर जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ये ब्लॉगर काफी ज्यादा चैलेंज करते रहते हैं, जैसे कि पैदल घूमना। तो अभी हाल ही में ये ब्लॉगर गए थे सौरभ जोशी से मिलने पैदल। तो वे सौरभ जोशी से मिलने पहुंचे एंड उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। तो होता कुछ ऐसा ही, ये ब्लॉगर पहुंचते हैं सौरभ जोशी से मिलने एंड सौरभ जोशी उनके घर पर नहीं होते हैं, तो वो होते हैं टोयोटा के शोरूम में। तो वहीं पर उनके दोस्त निर्मल आते हैं एंड बोलते हैं कि सौरभ जोशी आपको टोयोटा में मिलेंगे एंड वहां पर सौरभ जोशी इन ब्लॉगर को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद ये ब्लॉगर पहुंच जाते हैं सौरभ जोशी के घर पर, 10:30 बजे होता है। फिर वहीं पर पुलिस आ जाती है और इन्हें ब्लॉगर को उठाकर ले जाते। तो आप सुनिए, ब्लॉगर ही इसके ऊपर एक इंटरव्यू दिए थे। और चले पैदल चले गए, जब वहां पहुंचे वहां पे एक दो घंटे वेट करके जब वो सौरभ सर और नीरज और निर्मल और दो तीन लड़के और आए, जैसे उन्होंने हमें देखा इग्नोर किया। जब हम ऊपर से और वापस आए उनकी सोसाइटी के लिए, तो तब कुछ टाइम जब सोसाइटी के पास पहुंचे, नॉर्मली 10 था टाइम, मसा चाय का कप पकड़ा था हमने हाथ में, तब तक पुलिस आ गई और पुलिस वालों ने उठा लिया हमें। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है एमसी स्टेन की ओर से। अभी एक लिस्ट निकली हुई है मोस्ट गूगल्ड बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट इन नवंबर 2022 की, जिस पर एमसी स्टेन है फर्स्ट नंबर पर। सो जो अगली न्यूज आ रही है वो आ रही है थारा भाई जोगिंदर की ओर से। थारा भाई जोगिंदर अपनी इंस्टा स्टोरी पर कुछ ऐसा डाले बिग बॉस ड्रीम एंड कुछ समय पहले वो एक वीडियो पोस्ट किए थे, तो आप देखिए उनकी ये वीडियो। जोगिंदर एक दिन बिग बॉस जरूर खेलेगा और इतिहास लिखा जाएगा उस दिन, जिस दिन थारा भाई जोगिंदर की एंट्री बिग बॉस 100 के अंदर होगी। लोग जाता है बिग बॉस के अंदर नाम कमाने के लिए, पर थारा भाई जोगिंदर जाएगा बिग बॉस के अंदर इतिहास लिखने के लिए। आज नहीं तो कल बिग बॉस के अंदर जाऊंगा जरूर और ट्रॉफी जीत के जरूर आऊंगा, याद रखना। सो जो लास्ट न्यूज आ रही है एमी बंटाई की ओर से। एमी भाई अपने इंस्टा स्टोरी पर ये बताया कि उनका एक शो है दिल्ली में 17 दिसंबर को, तो एमी भाई वहां पर आने वाले हैं। वो लिखे दिल्ली आ रेले अपन। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।